आज हमारे साथ विनय आनंद जी हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हालात है, करंट सिनेरियो है, आज के समय में हर कोई अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। इस वक्त लॉकडाउन है, घर में है। तो विनय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। किस तरह से ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं? इंडिया टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं यही कहूँगा कि बहुत मुश्किल घड़ी है सबके लिए। अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, इकोनॉमी गिर रही है और एक मिडिल क्लास आदमी की इकोनॉमी तो पूरी हिल चुकी है। तो इस इकोनॉमी को बचाना है तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपने घर पे रहें। और देश की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। इसके बजाय कि हम लोग सिर्फ नेताओं को गाली दें या अलग अलग पार्टियों पे उंगलियां उठाएं और सिर्फ नेता भरोसे और गवर्नमेंट के भरोसे रहें, ये समय चला गया है। अब हर इंडिविजुअल को, हर सिटीज़न को एक ज़िम्मेदारी से रहना पड़ेगा। जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं और कितनी ज़िम्मेदारी से हम रहते हैं, अगर यही हम लंदन चले जाते या यही हम थाईलैंड चले जाते या अफ्रीका कोई भी देश में चले जाते, तो हमें पता है कि वहाँ पे हमें बहुत तमीज़ से रहना है, हमें वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, वहाँ पे हम बराबर पालन करेंगे। अगर हम मॉल्स में हैं तो वहाँ पे निशाना बनाया हुआ है, यहाँ खड़े रहो तो हम बराबर वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में आने के बाद हम लोग अगर ऐसे हो जाएं कि हमारा देश है, यहाँ तो कुछ कोई कहने वाला नहीं है और फाइन लगने वाला नहीं है, हम कैसे भी घूम सकते हैं और जी सकते हैं, ये सोच अब समाज को बदलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सोच नहीं बदलेंगे तो परिस्थितियाँ और ख़राब होंगी। और मुझे बहुत डर है कि मुझे हमेशा ये डर लगता है कि महाराष्ट्र, जहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ पर अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो सकती है कोविड की वजह से, क्योंकि कोई भी क्या करेगा अगर जहाँ 100 लोगों के आईसीयू की जगह और वहाँ अगर 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा तो ये तो ख़राब होना ही था। और मैं यही कहूँगा कि बेहतर यही है कि अगर लॉकडाउन है तो ही आप घर पे रहें। अगर सरकार ने कल इकोनॉमी बचाने के लिए लॉकडाउन खोल दिया, क्योंकि कितना लॉकडाउन करेंगे, तो उस वक्त आप अगर खुले सांड की तरह कहना नहीं चाहिए। मैं यंगस्टर्स को कहूँगा कि मुझे ख़राब लगता है जब मैं देखता हूँ कि 10-10 6-6 लोग, 7-7 जन बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी जीनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे हम पहले जिया करते थे अब हम वैसे फ़िलहाल जी नहीं सकते। क्योंकि जब दवाई नहीं है तो ढिलाई नहीं होनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। तो और कड़ाई तो है ही नहीं, तो अब घर में कड़ाई में आप लोग खाना बनाइए, क्योंकि कड़ाई नहीं करेंगे तो घर में कड़ाई में खाना हम लोगों को खुद ही बनाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी सफरिंग है और मैं बहुत दुखी हूँ। रोज़ कोई ना कोई आसपास के लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, कोई संसार को छोड़ के जा रहे हैं, किसी की मम्मी, किसी के डैडी, किसी का दोस्त, किसी का भाई। तो अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा मेंटली ख़राब हो जाती है। तो अपने आप को संभाल के रखें। और वैक्सीन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 18 से जो शुरू हो गई है वो ज़रूर लें। ऐसा ना करें, कोई ऐसा ना बोले कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, कोई बोलेगा ये इसकी वैक्सीन है, किसी राज्य के होम मिनिस्टर ने कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लूँगा और वैक्सीन भेज दी, किसी ने कुछ कह दिया। तो ये अब इस तरह से ना बोले कि ये भाई मोदी जी की वैक्सीन है या ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये हिंदुस्तान के लिए है, ये हम सब के लिए है। और इसे जाकर लीजिए,
अभी जो हालात हैं हमारे देश में, और जो हर चीज़ में, जैसे आपने बताया कि मतलब बीजेपी और कांग्रेस और कई सारी चीज़ हर जगह पे, हम थोड़ी सी जो राजनीति का एक तड़का हम हर जगह पे लगा देते हैं, इस सारे इन हालातों में भी जब देश परेशान है, सभी लोग परेशान हैं, बट वहाँ भी थोड़ी सी राजनीति कर देते हैं, तो एक नागरिक होने के नाते जब आप देखते हैं तो बहुत बहुत ख़राब लगता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। वेयर आर वी स्टैंडिंग टुडे? अब तक तो हम वर्ल्ड से कम्पीट कर रहे थे, अब तक तो हम चाहते थे कि हम ऐसे बने, हम वैसे बने, हमारा देश ऐसा बने, और आज हम क्या बातें कर रहे हैं? आज हम ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये सब, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं या कोई भी पार्टी के हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ली है, इस देश के तमाम नेताओं ने, हेल्थ वर्कर्स ने, सब ने जब वैक्सीन ली है, तो हाउ यू कैन से दैट एंड हाउ यू कैन मिसगाइड गोइंग अगेंस्ट एंड से दैट हम ये नहीं लेंगे, और आप एक इतने बड़े आप एक पोजीशन में हैं, हाउ यू कैन मिसगाइड योर सिटीजन्स? आप मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अगेंस्ट, जो कि लोगों को इस तरह से भड़काते हैं कि ये वैक्सीन ख़राब है या इससे जान जा सकती है या हम नहीं लेंगे, ये किसी एक पार्टी की है, मुझे लगता है ऐसे लोगों के अगेंस्ट, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी एजुकेटेड हो या कितने भी बड़े लेवल पे हो, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मिसगाइड करना, आपके मिसगाइड की वजह से कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, या जो आदमी अपने एज ग्रुप में होके आज जाके वैक्सीन नहीं ले रहा है, अगर उसे कोरोना होता है तो वो कितने लोगों को फैला रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप, हम सबको यही सोचना चाहिए कि मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा सबसे कि आप सब बड़े लोग हैं, बड़े पोजिशंस पे हैं, भगवान ने आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी दी, लोगों ने आपको वोट्स दे के वहाँ तक पहुँचाया, बनाया, तो प्लीज़ उनके और अपनी जान के साथ खेलवाड़ ना करें, एंड प्लीज़ गो एंड टेक वैक्सीन, मैं यही कहूँगा। जो आपने बात कही, अब इससे थोड़ा सा हटके अगर कि पर्सनल लाइफ की बात करें, जो मतलब हाल ही में आपने, आप काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं, हाल ही में आपने कुछ भोजपुरी प्रोजेक्ट्स भी शो फिनिश किए हैं, सिंगिंग भी आपकी है, तो उस बारे में अगर थोड़े से बताएं आपके जो करेंटली विनय जी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फिल्मों के बारे में, जो आपकी करेंट लाइफ है। मैंने अभी अपने प्रोडक्शन में एक बॉलीवुड फिल्म बनाई और जस्ट कंप्लीट करके आया हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ शिमला में जो DM है, उन्होंने मुझे लेटर दे दिया था, और मैंने पूरे कोविड के रूल्स रेगुलेशंस को मानते हुए फिल्म कंप्लीट कर ली। तब तक ये सिचुएशन नहीं थी, और कंप्लीट करके आने के बाद जब 15-20 दिन 25 दिन ऊपर जब चले गए, तो एक अलग सी वेव, एक अलग सी ख़राब सिचुएशन कंट्री में हो गई। तो बस यही कहूँगा कि मैंने कई साल बाद फिर से बॉलीवुड में आगमन किया है, और आप लोग वो ज़रूर देखिएगा, और सबसे पहले तो यही कहूँगा कि सुरक्षित रहिए। और थोड़े दिन पहले मैं ये देख रहा था कि कई लोगों ने शादियाँ लोग कर रहे हैं, और इतने सारे लोग शादियों में आ रहे हैं, और एक कोई DM साहब हैं वो वहाँ चले गए, उन्होंने बहुत लोगों को जो है धक्का वक्का मारा, ये किया वो किया, तो मुझे दो बातें लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक तरह से एक शादी में, एक विवाह में इतने लोगों को बुला लेना, प्रोटोकॉल को तोड़ना, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ना, ये एक गड़बड़ हो गई। हालांकि शादी ब्याह बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक शादी ही एक ऐसा समारोह होता है, एक ऐसा सेलिब्रेशन होता है जो दोबारा नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए दो दो तीन तीन बार आ जाता होगा, लेकिन सबके लिए नहीं आ सकता। हाँ, और आना भी नहीं चाहिए, हिंदुइज्म में तो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा ही दुख होता है जब दूसरी तीसरी चौथी शादी हो। तो एनीवेज, मस्ती मजाक अपनी तरफ, आर्टिस्ट हूँ तो मस्ती करता हूँ, लेकिन जिस तरह से लोग इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जब आज इतनी वर्ल्ड इतनी क्राइसिस में, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि
या तो आप शादी टालें या आप शादी कर लें, और अगर कर रहे हैं तो अपने परिवार के लोगों के साथ करते हुए ही करें, गेस्टों को निमंत्रण ना दें, और जो उस लेवल पे जो अधिकारी हैं वो इस सिचुएशन को बड़े प्यार से ध्यान दें, और किसी को दुख तकलीफ़ या किसी के सेरेमनी को इतना ख़राब भी ना बनाया जाए। तो सारी चीज़ें अपनी जगह, मुझे वो भी थोड़े बहुत सही लग रहे थे, ये भी थोड़े बहुत सही लग रहे थे, लेकिन तरीका गलत हो गया। तो बस यही कहूँगा कि अब गलत तरीकों का समय नहीं है दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोविड से बचिए, ये बहुत ख़राब है। सभी जाते जाते सभी दर्शक फैंस व्यूअर्स, आपके सभी फैंस व्यूअर्स इंडिया टीवी के, और साथ ही साथ जो हालात हैं, तो सभी से क्या कहना है? बस यही कहूँगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जो पैसा है रे भैया वो जाता सैनिटाइजर खरीदने में, दवा खरीदने में, रेमडेसिविर खरीदने में। इसलिए भैया जो पैसा है वो बचा के रखी, और घर से बाहर मत निकली, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि जो बचा कुचा पैसा है वो दवा में ना जाए, नहीं तो फिर बहुत बुरी स्थिति है। थैंक यू सो मच विनय जी, आपने समय दिया। तो ये थे विनय आनंद जी, जो बता रहे थे इस हालात में एक अपने अंदाज में काफ़ी गंभीर और काफ़ी अच्छी बातें कहीं, जो दर्शक जो सुनेंगे फॉलो कर सकते हैं। कैमरामैन हर्षित के साथ आशुतोष बढ़ गई, इंडिया टीवी मुंबई।